हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे और बाबा जी करेंगे आप अच्छे ही होंगे, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी ही हुई है। वेल, आज का व्लॉग मैं इस टाइम शुरू कर रही हूँ। 10:30 बजे हैं, ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी मेरी हो चुकी है। अब मैं पहले किचन में जा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे करनी है अपनी गैस स्टोव की डीप क्लीनिंग, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पिछले दिनों मेरी जैसे तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चे बनाते रहे कुछ ना कुछ, तो काफ़ी गंदी हो गई थी। तो आज मैं गैस स्टोव की पहले क्लीनिंग कर रही हूँ, डीप क्लीन, और शेयर कर रही हूँ आपसे। उसके बाद लंच में मैं बना रही हूँ आज वेज बिरयानी, जिसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी बनाते बनाते। तो चलिए व्लॉग शुरू करें आज का, चलते हैं पहले किचन में। देखिए, ये है मेरा गैस स्टोव और इसकी प्लेट्स मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। तो पहले मैं इसके स्टैंड हटा देती हूँ, उसके बाद देखिए ये कितनी गंदी हो गई है। आप मेरा ये बड़े वाला बर्नर देख सकते हैं, ये प्लेट्स को मैंने क्लीन कर लिया है। अब आप देखिए देखिए बड़े वाला बर्नर कितना गंदा है मेरा। तो सबसे पहले हम इनको भी हटा लेंगे, ताकि हमें डीप क्लीन करने में बहुत आसानी हो। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, मैं इसे एक ड्राई फैब्रिक लेके कोई भी उसके साथ इसको ड्राई ही पहुँचूँगी, ताकि कोई डस्ट वस्ट या जो भी गंद है, देखिए हो ही जाता है गैस पे, कभी सब्ज़ी गिर गई है कुछ है, तो हम उसको पहले क्लीन कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसकी डीप क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। डीप क्लीनिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने इसके लिए पेचकस लिया है और इसके सारे स्क्रूज़ जितने भी हैं, जितने पेच लगे हुए हैं, उन सबको मैंने 1 बाय 1 खोल लिया। तो ये देखिए मेरे पेच सारे में निकल गए हैं। अब हम स्टोव को उल्टा कर लेंगे, ताकि जो पेच हमारे नीचे से खुल सकते हैं, उन्हें अब हम नीचे की तरफ से खोलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, नीचे से भी देखिए आप देख सकते हैं मेरी गैस कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि कभी ऑयल गिर जाता है तड़का लगाते हुए, या कुछ आप फ्राइंग कर रहे हैं तो कढ़ाई में से ऑयल निकल जाता है। तो इस तरह से कभी चाय उबल गई, दूध उबल गया, तो नीचे ही सारा गंद आ जाता है, और ये नीचे से भी काफ़ी जल चुकी थी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको सारे पेच जितने भी थे सब खोल के, और सारे पीसेस को मैंने अलग अलग कर लिया है। लेकिन खोलते हुए या इस तरह से क्लीन करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा पेच कहाँ से निकाला था। मैंने क्या किया, जैसे मैंने बड़े बर्नर की अपने जो खोला, उसमें जितने पेच थे या जो चीज़ें थी वो मैंने एक साइड रखी, दूसरे बर्नर की एक साइड, तीसरे की सारी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगा के रखी, ताकि मुझे पता लगे बाद में लगाते हुए कि ये किस गैस की है। देखिए, अब उसके बाद कुछ पेच ऐसे हो गए थे जो जलने के कारण, जो गैस आपकी ज़्यादा जलती है या गंदी हो जाती है, उसमें जंग भी लग गया था। तो उसको रिमूव करने के लिए ये मैंने जॉरिक 88 करके, ये एक लिक्विड है जो जंग पे काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आपका कभी कोई ताला है, लॉक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपकी जंग लग जाती है और वो सही नहीं हो रही है, तो आप इसे स्प्रे करके उसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आगे एक पतला नोज़ल भी लगा हुआ है इसका, ये अमेज़ॉन पे भी इजीली अवेलेबल है। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसे परचेज भी कर सकती हैं। तो ये देखिए कितनी, देखिए मेरा हाथ भी कितना गंदा हो गया है, गैस कितनी गंदी थी, और ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया इसका पाइप भी और इसकी वो अब हमने इसके बाद क्या करना है, सब रिमूव करने के बाद जो हमारे ये ग्लास शीट है, हम इसे भी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसके साइड्स पे भी देखिए काफ़ी गंद चिपक जाता है, प्लेट्स के नीचे जो गंद आ जाता है। तो इसे मैं डीप क्लीन, इसके लिए मैं क्लीनिंग करूँगी, तो इसे मैं करूँगी, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है। देखिए ये मेरा बड़ा बर्नर कितना गंदा है, उफ़, आप देख सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली क्लीन हो जाएगा। देखिए मैंने क्लीनिंग के लिए ऑलरेडी, मैं जैसे बता चुकी हूँ कि क्लीनिंग के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, मैं बर्तन धोने के लिए एक्सपर्ट सोप यूज़ करती हूँ। तो उसके ये देखिए, तो इसको मैं कैसे क्लीन करूँगी, इसको मैं अपने एक्सपर्ट सोप से, स्टील वूल और एक टूथब्रश, मुझे ये सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, मैं इसी से इसको क्लीन करूँगी। तो आप देखिए, मैं आपको क्लीन करके दिखाऊँगी इसको कि ये कैसे क्लीन हुआ है। तो चलिए देखते हैं।
अगर अगर आप कोई और डिश वॉश यूज़ करती हैं, चाहे आप विम यूज़ करती हैं या जो भी, पहले देखिए मैंने ग्लास को इस तरह क्लीन किया। ये देखिए मेरी जो प्लेट थी उसको मैं स्टील वूल और अपने डिश वॉश से साफ़ कर रही हूँ। उसको बाद स्टील वूल से आप अच्छी तरह से उसे क्लीन कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, सारी डस्ट भी निकल जाती है और अगर जंग वंग लगे हुए हैं आपके तो वो भी निकल जाते हैं। अब अंदर की क्लीनिंग के लिए मैंने टूथब्रश को यूज़ किया है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं गैस पे कितना गंदा हो गया था जो मैंने उसको क्लीन किया। तो ये मैंने ग्लास को भी क्लीन कर लिया है, अब मैं इसे इससे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। देखिए अगर आपके पास गैस के लिए कोई अच्छा सा क्लीनर नहीं है या कुछ भी है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल इजी तरीके से उसे अपने डिश वॉश से भी साफ क्लीन कर सकती हैं। आप पिक में देख सकती हैं कि मेरी जो गैस है वो कितनी गंदी थी और अब कितनी क्लीन हो गई है और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है उसमें, सिर्फ एक जॉरिक 88 यूज़ किया था क्योंकि वो भी जो मेरे ये पेच हैं उन पे जंग लग गया था, वो ओपन नहीं हो रहे थे, खुल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने उसका स्प्रे किया था। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके उसे परचेज कर सकती हैं। तो ये देखिए मेरी गैस बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब मैं वन बाय वन करके जैसे मैंने गैस को खोला था उसी तरह से मैं इसे सारी जो मेरे हैं बर्नर्स वगैरह उन सबको एज इट इज़ अपने जो उनके जगह है उस पे लगा दूंगी। पीछे पीछे से भी मैंने इसी तरह से क्लीन कर लिया है उसे, इससे भी मैंने सोप और जो स्क्रबर होता है आपका ग्रीन वाला या कोई भी आप जो भी यूज़ करते हैं उससे मैंने क्लीन कर लिया ताकि ग्रीसी जो होती है गैस वो ग्रीसी ना रहे। और उसके बाद मैंने इस तरह से इसे जोड़ लिए हैं और ये मेरी गैस क्लीन हो गई है, आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बिल्कुल मेरी गैस क्लीन है। तो ये देखिए मेरी गैस तो क्लीन हो गई है। अब चलते हैं अपने लंच की तरफ। लंच में मैं बना रही हूँ बिरयानी, राइस मैंने ऑलरेडी कुकिंग के लिए रख दिए हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि बिरयानी बनाने के लिए आपको राइस पहले ही बनाने पड़ते हैं क्योंकि राइस अगर ठंडे हो जाएं तो ही बिरयानी अच्छी बनती है। अगर आपके राइस गर्म है और आप गर्म राइस से बना रही हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। मैंने भिंडी भी बना रही थी तो मैंने भिंडी भी रखी है। और ये देखिए बिरयानी के लिए मैं वेजिटेबल्स कट कर चुकी हूँ, मैंने शिमला मिर्च कट कर ली है, अनियंस हैं और ये गाजर और आलू मैंने कट कर लिए हैं इस और कट करके भिगो दिए हैं ताकि आलू जो है वो काले ना हो जाएँ। और मैं यूज़ करती हूँ फ्रोज़न मटर, तो मैंने फ्रोज़न मटर भी रख लिए हैं और ये मशरूम है। अब मैं मटर को भी भिगो दूँगी और मशरूम को कट कर लूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी न्यूट्री और इसे भी न्यूट्री को भी मैं भिगो दूँगी। और साथ ही मैंने करने के बाद अब देखिए उसके बाद मैं आटा वगैरह मैंने सब गूंथ लिया है, तो जितनी देर मेरी चावल होंगे ठंडे होंगे और जब तक मैं वेज को तड़का लगाऊंगी तब तक मैंने आटा गूंथ लिया है और मेरी भिंडी भी लगभग हो गई है और मेरी राइस जो है वो कुक्ड हो चुके हैं। अब ये देखिए गरम है, काफ़ी अच्छे कुक हो गए हैं आप देख सकते हैं। अब देखिए कितना धुआं निकल रहा है। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं, जब तक मेरी वेज जो है वेजिटेबल्स मेरी रेडी होंगी और बनेगी सब्ज़ी तब तक मेरी ये राइस ठंडे हो जाएंगे। देखिए इसे मैंने इस तरह से एक थाली में निकाल लिए हैं और थोड़े से कुछ मैं पतीले में ही रहने दूँगी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएँ ये। देखिए अब बिरयानी बना रही हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करूँगी। मेरा तेल गरम हो गया है, मैंने सरसों का तेल यूज़ करती हूँ मैं, और अब उसके बाद मैं इसमें कटे हुए अनियन डाल दूँगी। दो मिनट के लिए इसे रोस्ट करूँगी ताकि इसमें हल्का सा जो इसका पिंक कलर है वो आ जाए। देखिए अब अनियंस देखिए कैसे हो गए हैं। अब इसके बाद मैं ये देखिए कटी हुई गाजर और जो मैंने आलू धो के भिगोए हुए थे मैं इन्हें डाल दूंगी इसमें। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप वही डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पास इस टाइम सभी वेजिटेबल्स अवेलेबल थी तो मैंने डाल दी हैं।
इसके बाद इसे चला लूँगी अच्छी तरह से। देखिए वेज बिरयानी में आपके पास जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेबल्स की वैरायटी हो आपके पास। अगर आपके पास आलू प्याज और गाजर हैं तो आप इन्हीं को ही अच्छी क्वांटिटी में रख लीजिए। तो 2 मिनट इसको इसी तरह रोस्ट करना है हमने। गैस मैंने तेज ही रखी हुई है। देखिए सॉरी वो स्किप हो गई, मैंने मशरूम भी इसमें डाल दी है। 5 मिनट ये होने के बाद इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, क्योंकि तभी उसके बाद मैं इसमें न्यूट्री डालूँगी। तो पहले मैंने डाला है जीरा, उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी देगी मिर्च जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, और लाल मिर्च मैं बिल्कुल थोड़ी सी ही डालूँगी। मसाले वही हैं जो आप यूज़ करती हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला मैं इसमें नहीं डालूँगी। और ये अब गरम मसाला और धनिया पाउडर भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं नमक। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि सेंधा नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो ये मैंने नमक भी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए वेजिटेबल्स का ही आपको जो सब्जियां आप बना रहे हैं आपको उसी का नमक डालना है, क्योंकि ऑलरेडी चावल में मैंने नमक डाला हुआ है। ये देखिए ये हो गई है, गैस सिम कर देंगे अब हम 2 मिनट इसको इसमें ऐसे करके। अब हम इसमें न्यूट्री को डाल देंगे। अच्छी तरह से उसका पानी निकाल लीजिए पहले आप। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। देखिए अब थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे, ताकि आलू और गाजर जो हमारे हैं वो थोड़े से पक जाएं, आलू हमारे कच्चे ना रहे और न्यूट्री में भी मसाला अच्छी तरह से आ जाए। हम क्योंकि मटर मैंने, अगर आपने मटर हरे मटर लिए हैं तो आप वो इस टाइम डाल सकती हैं, बट अगर आपने फ्रोज़न मटर लिए हैं, जैसे मेरे तो फ्रोज़न मटर हैं, तो वो मैं बाद में ही डालूँगी। ठीक है, अब देखिए आलू गलने शुरू हो चुके, गल गए हैं, थोड़े सी कमी है उसमें बस। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम डालेंगे शिमला मिर्च हमारी जो कटी हुई थी, जो हमारे फ्रोज़न मटर थे हमने भिगो के रखे हुए थे उन्हें भी डाल देंगे, और उसके बाद डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसे हिलाने के बाद 5 मिनट इसको और रोस्ट करेंगे, ताकि जो हमने शिमला मिर्च और मटर डाले हैं उस पर भी मसाला अच्छी तरह से उसके अंदर आ जाए। ढक देंगे। देखिए सब्जी मेरी हो गई है, अब हम इसमें राइस को ऐड कर देंगे, जो राइस हमने ठंडे होने के लिए रखे थे। और इसे अच्छी तरह से मिला के 5-10 मिनट तक आप रोस्ट कर लीजिए इसे। तो देखिए ये मेरी बिरयानी तैयार है, साथ में कर्ड होगा, भिंडी की सब्जी, और साथ में मैंने ये देखिए अदरक का सिरके वाला अचार डाला है, वो भी इसके साथ है। तो चलिए मिलूँगी फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।